अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही आर्टिस्टिक सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरी कज़न की कुछ दिन पहले बर्थडे थी, सो आई मेड अ केक फॉर हर। ये कोई सिंपल केक नहीं था, इट वाज अ अल्फाबेट केक जिसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वन ऑफ द ब्लूपर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि जब मैं इसको जोड़ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ था। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्राई और फर्स्ट ट्राई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा कि मैंने फर्स्ट टाइम इस केक को किस तरह से बनाया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले मैं केक बेस रख रही हूँ। केक बेस की सारी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सिंपल डार्क चॉकलेट बेस है, इसमें कोई भी मैंने डिफरेंट चीज़ नहीं डाली हुई है। इसकी कटिंग मैंने ई की इस तरीके से की। अगर आप लोग डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। लुक एट द शाइन ऑन द केक बेस, ये बड़ी परफेक्ट सी रेसिपी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैंने सारी चीज़ें शेयर की हैं कि कौन सा मोल्ड आपको चाहिए। आप चाहें तो इससे दूसरा भी जो गोल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में अगर आप केक बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। मैं सारी डायरेक्शंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अच्छा जी, केक बेस बनाना इतना मुश्किल नहीं रहा, अब तो वो ईजिली बन जाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में जो क्रीम है ना उसको स्टेबल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मल्टीपल टेस्टिंग और सर्चिंग के बाद आई केम टू सोल्यूशन, जिसमें मैंने क्रीम के अंदर जेलेटिन को ऐड कर दिया। आपको व्हिपिंग क्रीम लेनी है, मिल्क चॉकलेट लेनी है, उसमें मिल्क चॉकलेट ऐड करके थोड़ा सा जेलेटिन ऐड करना है और व्हिप कर लेना है क्रीम को। ये क्रीम काफ़ी देर तक स्टे कर जाएगी अगर आप इसको फ्रिज में भी रखते हैं। कूल डाउन करना और इसको कूलिंग टाइम अच्छा देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ई का दूसरा पोर्शन ऊपर रखना बहुत ही ईजी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो के स्टार्ट पर मैंने आपके साथ एक ब्लूपर शेयर किया था, वो यही था कि ई जो है वो अनबैलेंस हो गया था जब मैंने इसको ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको किसी तरीके से बैलेंस कर लिया था। और उसके बाद दूसरा ब्लूपर ये हुआ था कि जब मैं डार्क चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ऐड करी थी, जिस तरह ये अभी मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, तो फ्लावर्स सारे मेरे ख़राब होना शुरू हुए। मुझे लगा कि शायद मेरी नोज़ल ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैंने क्या किया कि जब फ्रॉस्टिंग को मिक्स करी थी तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुई हुई थी, वो चॉकलेट का कोई चंक आ गया था और चंक आने की वजह से जो है मेरे सारे फ्लावर्स ख़राब हो रहे थे। फिर मुझे अपने सारे फ्लावर्स को दोबारा से उतारना पड़ा। क्रीम मैंने सारी उतारी और अपने केक के ऊपर एक लेयर बनाई उसको स्टे कराने के लिए भी, और देन आफ्टर दैट आई मेक दिस फ्लावर्स। अच्छा, ये फ्लावर्स सबको बड़े पसंद आए थे कि आपने फ्लावर्स कैसे बनाए हैं, हमसे तो नहीं नॉर्मली बनते। ये सारा जो कमाल है ना वो आपके नोज़ल का होता है। हम लोगों को नॉर्मली जो मार्केट वगैरह से मिलते हैं वो प्रोफेशनल नोज़ल्स नहीं मिलते, या अगर प्रोफेशनली मिलते भी तो वो छोटे साइज़ के नोज़ल्स मिलते हैं। ये सारे 1mm, 2mm ये वाले सारे होते हैं। आप लोगों को ये प्रोफेशनल किसी बेकरी शॉप से मिल सकते हैं या फिर आप लोगों को ये ढूंढने पड़ेंगे, ऑनलाइन काफ़ी जगहों से मिल सकते हैं। इफ़ यू वांट दैट तो मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम अपना शेयर कर देती हूँ, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको इस तरह के नोजल्स मिल सकते हैं। बड़ा ईजी होता है फ्लावर्स बनाना। उसके बाद ही थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऐड किए मैंने, और ऊपर मैंने थोड़ा अपनी कज़न पर खर्चा किया हुआ था तो मैंने इस पर चॉकलेट्स भी लगा दी। आपको लग रहा होगा कि ये केक बनाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट में मुझे 6 से 7 घंटे लगे थे इस केक को बनाने के लिए। बट इट्स ओके, क्योंकि आप जानते हैं प्यार का कोई मोल नहीं होता। सो इफ़ यू लव योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कजन्स एंड पार्टनर्स, सो मेक देम फील स्पेशल, बिकॉज होममेड इज ऑलवेज द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।